हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पारा मेडिकल। शिवशंकर पारा मेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का प्रतिदिन लाइव क्लास चल रहा था 8 बजे से, और आज का जो क्लास शुरू हुआ है, आज से आपका क्लास शुरू हुआ है मैथ का। पारा मेडिकल चाहे 10th लेवल का हो या 12th लेवल का, मैथ दोनों में पूछी जाती है, और थोड़ी सी रीजनिंग भी रहती, मानसिक योग्यता वो भी थोड़ी सी बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पैरामेडिकल का, वो मैथ की आती है। तो मैथ में आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। क्या शुरू करेंगे? परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में शुरू करेंगे, और प्रतिशत का लगभग 5 या 6 क्लास टोटल होगा। तो जितना भी क्लास जो चलेगा, वो सारे आप चाहें तो लिख सकते हैं, और आपका लाइव क्लास शिवशंकर पारा मेडिकल पे, ओनली पारा मेडिकल का क्लास चलता है प्रतिदिन रात 8 बजे। तो जितने भी स्टूडेंट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवशंकर पारा मेडिकल टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ी सी बात, अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किस पर बात करेंगे बाबू? प्रतिशत पर, परसेंटेज पर। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रतिशत पर। एक एक बात जो है अच्छे से समझना है। चलिए, लिख दिए प्रतिशत। क्या लिख दिए बाबू? प्रतिशत, ठीक है, जिसको परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। चलिए, परसेंटेज। अब यहां पे एक बात समझ लिए कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? मार्कर है। क्या है बाबू? मार्कर है। तो ये मार्कर भी जो है अपने आप में पूरा क्या है? 100% है। अपने आप में क्या है? 100% है, 100% है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर, हम कहा इसे लिखाएगा, तो आप बोले 100% लिखाएगा। तो यानी एक वस्तु कोई भी हो, वो अपने आप में क्या है? परसेंट है। अपने आप में पूरा पूरा है, 100% है। कोई संख्या की बात कर लो, तो संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए इस पृथ्वी पर, कोई संख्या हो, संख्या में 1 हो या 2 हो, यहां पे लिखते कोई भी, क्या लिख देते हैं? कोई भी संख्या। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जितने भी कोई भी संख्या है, वो संख्या आप में क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? 100% है। कहते कि नहीं कहते? कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करते हैं? फॉर्म भरने जाते हैं तो कहते हैं फॉर्म भरा जाएगा, तो 100% भरा जाएगा। यानी कोई भी काम जो है अपने आप में कितना है? 100% है, 100% है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट, और प्रतिशत को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है पूरा पूरा यानी 100। क्या मतलब होता है? पूरा पूरा 100 होता है। चलिए, एक एक बात अच्छा से समझना है। तो प्रतिशत में हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो तरह से पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिएगा बढ़िया समझिएगा, दो तरह से क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक यहां पे लिख देते, हम लोग पढ़ेंगे एक पहले बात, और एक पढ़ेंगे दूसरी बात। क्या पढ़ेंगे बाबू? एक पहली बात पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे दूसरी बात। तो पहली बात में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिशत है, जितने भी पृथ्वी पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत जितने भी हैं, उस प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? भिन्न में बदलना। और पैरामेडिकल के एग्जाम में इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाता है। जहां पे 4-5 टाइप पढ़ाएंगे, 5-6 क्लास, और जहां से क्वेश्चन भी पूछेगा आपको बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि जो भिन्न है, उस भिन्न को प्रतिशत में, क्या पढ़ेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो पहले इसको हम लोग अच्छी तरह सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदलना, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, हम लोग पूरी तरह अच्छे से पहले सीख लेंगे। तो यहां पे बताए कि कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में क्या होता है?
अपने आप में 100% होता है, यानी अपने अपने आप में पूरा का पूरा 100 होता है। तो जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, और उस संख्या को ले लेते हैं हम 40%, और कहें यहां पे कि कोई वस्तु जो है अपने आप में 40% कितना है बाबू, कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 40% है, कितना प्रतिशत है, 40%, और इसको जो है भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो आप लोग एक बात समझिएगा, यहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, प्रतिशत का मतलब 100। तो यहां पे अगर भिन्न में हमको बदलना हो तो यहां पे 40 को परसेंट को नीचे कर सकते, तो यहां पे अगर देख लीजिए 40/100 यानी 40% को भिन्न में, तो भिन्न में बट्टा, भिन्न जो होता है वो क्या होता है, बट्टा, तो यहां पे समझिए एक बट्टा के रूप में, तो यानी कह सकते हैं 40% को जब हम भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, एक अंश और हर के रूप में बदल रहे हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहां पे एक बात समझ लीजिए कि इसको अब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या बनता है, देखिए 20 × 40 और 20 × 100 यानी 2/5, तो ये 2/5 जो बना है ये क्या बन गया, भिन्न बन गया, ऐसे भी भिन्न था लेकिन तोड़ना बहुत जरूरी है। अब यही जो भिन्न लिखा हुआ है, आंसर आया प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है वो अपने आप में 100 होता है। तो जब प्रतिशत दिया हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो नीचे में क्या लगाते हैं, प्रतिशत को हटाकर 100 लिखते हैं, वो पी प्रतिशत इसको हटाकर नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो वो भिन्न में बदले जाता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है, जैसे यहां पे आया 2/5, क्या आ गया 2/5, अब ये 2/5 क्या है, एक भिन्न है, क्या है बाबू, भिन्न है, और इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो कोई भी संख्या अगर है, यहां पे क्या याद रखना है कि जब संख्या प्रतिशत में हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो बट्टा में क्या लिखते हैं, बट्टा में 100 लिखते हैं, याद रखिएगा, बट्टा में 100 लिखते हैं, यानी प्रतिशत का मतलब क्या लिखते हैं, 100। तो यहां पे याद रखिएगा कि जब कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में दिया हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो बट्टा में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे संख्या क्या दे रखा है, भिन्न में, और बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो जब कोई भी संख्या भिन्न में दिया हो और प्रतिशत में बदलना हो, किसमें, प्रतिशत में बदलना हो, तो 100 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, 100 से उस संख्या में गुना करते हैं जो संख्या भिन्न होता है, ठीक है, तो 100 से गुना करते हैं। तो यहां पे 100 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 100 से जब यहां पे हम गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्रतिशत, तो 20/100 होगा, यानी 20 × 40, 40% होगा कि नहीं होगा, आया कि नहीं आया, आया, यानी क्या कर दिए, फिर से समझ लीजिए कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसमें बट्टा में 100 लिखते हैं, जो संख्या दिया है उसके बट्टा में 100 लिखते हैं, और जब भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो जो भिन्न दिया है उसमें 100 से गुना कर देते हैं, समझ में आई बात। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20% दे रखा है, ठीक है, और इसको बदलना है भिन्न में, तो क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और प्रतिशत, तो प्रतिशत में मतलब 100, और इस 100 को कहां लिखते हैं, बट्टा में, कहां लिखते हैं, बट्टा में, ठीक है, तो काट दीजिए यहां पे क्या होगा, 20/100 यानी 1/5, क्या होगा, 1/5, तो ये क्या हो गया आपका, 1/5 जो हो गया क्या हो, एक भिन्न के रूप में। अगर यही भिन्न दिया हो कि चलिए भाई बाबू कह गए भैया देख लो, 1/5 जो है एक संख्या दिया गया है जिसको प्रतिशत में बदलना है, ये सबसे बेसिक चीज है, तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20/25 100, यानी टोटल कितना प्रतिशत हो गया,
20%, प्रतिशतता से बदल गया, इधर भिन्न था और यहाँ पे प्रतिशत था, जिसको हम लोग भिन्न में बदल दिए कि नहीं बदल दिए। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, क्या समझना है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दे 1/4, कि 1/4 एक वस्तु है, इसको अगर 1/4 वस्तु को अगर परसेंट में निकालना, 1/4 संख्या दिया गया है और इसके प्रतिशत को निकालना है, तो क्या से गुना करते हैं बाबू? 100 से गुना करते हैं। तो जब 100 से गुना करेंगे तो कैसे कटेगा, काटिए इसको, 25 चौका 100, यानी कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं। अब आइए यहां पे एक और बात समझने योग्य बात होती है कि जैसे कोई भी संख्या में जब हमको प्रतिशत बनाना हो तो उसके लिए जो है आप इतना प्रोसेस करते हैं, इतना प्रोसेस करने के बजाय जो है आपको क्या करना है, कुछ परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, उस प्रतिशत यानी कुछ जो भीने हैं, जैसे 1/2 ये हो गया, 1/3, 1/4, जो प्रतिशत को बदलना है उसको कम से कम 20 तक आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको मात्र एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय रहेगा और 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ 20 तक याद कर लेना है ताकि बनाने में सुविधा हो। परसेंटेज कैसे याद करना है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे तो लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी बाबू। चलिए सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, है कि नहीं, तब ना मैच चलेगा हल्दी हल्दी। चलिए चलिए, और सुनाए परसेंटेज की एक कहानी। चलिए यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, जैसे मान लेना है आपको याद क्या करना है, 1 से लेकर के कम से कम 20 तक जो है आप प्रतिशत याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्रतिशत याद कर लीजिए। ठीक है, करें याद करें, तब आपको एग्जाम में बनाने में सुविधा होगी। कैसे याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिख देते 1/2, यानी क्या दिया हुआ, भिन्न, और 20 तक याद करना है क्या, प्रतिशत को, 1/2। चलिए दूसरा दे रखा है 1/3, क्या दे रखा है, 1/3, फिर है 1/4, फिर है 1/5, फिर है 1/6, फिर है 1/7, फिर क्या दे रखा है, 1/8, फिर दे रखा है 1/9। ठीक है, तो अब इस सबका जो है प्रतिशत कैसे बनेगा, प्रतिशत बनानी है या फिर इधर फिर लिख देते हैं हम, बात कर लेते हैं। चलिए 1/10 किसकी बात कर लेते हैं, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, याद रखिएगा 1/14, 1/15, कम से कम 15 भी याद रखिएगा ना, तो बनाने में आपको सुविधा हो जाएगा। अब इसको तो आप बना भी सकते हैं कि 1/2, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पे आ जाए कि 1/2 है, तो 1/2 का परसेंट कितना हो जाएगा, 1/3 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/4 का प्रतिशत कितना होगा, 1/5 का प्रतिशत कितना होगा, 1/6 का प्रतिशत कितना होगा। चलिए यहाँ पे लेकिन एक बात समझ लीजिए, 1/2 का प्रतिशत कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का प्रतिशत होता है 50%, कितना होता है, यानी जब भी 1/2 लिख रहा हो तो इसको निकालिएगा नहीं कि इसका कितना होगा, डायरेक्ट बोलिए 50% होता है। 1/3 का कितना होगा, 33.13% होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिमाग में घूम रहा होगा बात कि सर ये कैसे होगा, 1/4 का 25% होगा, कैसे होगा, देख लीजिए। अभी क्या बताए कि जब कोई संख्या दिया हो, संख्या 1/2 दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, अभी जस्ट बताए थे कि जब संख्या भिन्न में हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो काटिए 50 × 100, तो टोटल कितना हो गया, 50 में 101 गुना करेंगे, 50 से 1 से गुना करेंगे तो 50%,
एक बटा टू भी इनका कितना प्रतिशत होता है, 50। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि 50% का भिन्न निकालिए तो 1/2 याद रख लीजिएगा। ऐसे निकाल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन निकालने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए कुछ याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। चलिए आइए आगे हम बात कर लेते हैं 1/3 का, कि 1/3 का प्रतिशत निकालिएगा तो 100 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, तो 100 से जब गुणा कीजिएगा तो इसको निकालिए, 100 से इसमें भाग दीजिए, यानी एक बार में नहीं लगाएंगे तो तीन बार में लगा, 3 × 9 लगेगा, फिर इसको लगाएंगे 3 × 9 लगेगा, बचेगा कितना 1 अपूर्णांक 3। यानी देखिए यहाँ पे लगाइए, 100 में भागा दीजिए, अरे बाबू नहीं समझ में आया, जैसे देखिए 1/100 है तो यानी ये क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, तो 3 से 100 में भागा दीजिएगा तो 3 मतलब लगाइएगा 9, फिर 10 आएगा, 3 मतलब लगाइएगा 9 तो 1 बचेगा, 33 पूर्णांक 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कीजिए ना। चलिए अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, 1/4 तो अभी बताया कि 1/4 है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 25 × 100। ठीक है, 1/5 दे रखा है तो 1/5 दे रखा है, इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 20% हो जाएगा। आप चाहे तो इसको निकाल करके चेक भी कर सकते, 1/5 आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना तो 25 100 यानी 20। अब यहाँ पे एक बात आई है, एक दिया हुआ 1/6, तो 1/6 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 16 पूर्णांक 2/3%, यानी 16 पूर्णांक 2/3%। कैसे होगा निकालिए इसको, अभी क्या बताएं, आप इसको निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि 1/6 दिया हुआ है और इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से, यानी भिन्न दिया हुआ भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 3 × 6 50 × 100। अब इस 50 को 3 से 50 में भागा दीजिए, इतना आ जाएगा, देखकर देख लीजिए। चलिए आप चाहे तो ऐसे भी भागा दे सकते हैं, एक बार में लगा सकते हैं, तो एक बार में 3, फिर 2 आया, फिर लगाएंगे 6 मतलब 18, नीचे 2 बचा तो 16 पूर्णांक 2/3 हुआ कि नहीं। चलिए तो आप चाहे तो इसी तरह सबका निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। 1/7, 1/7 का क्या हो जाता है, 1/7 का होता है 14 पूर्णांक 2/3%, आप चाहे तो निकाल कर चेक कर सकते, तो ये याद रखिएगा। 1/8, 1/8 का होता है 12 पूर्णांक 1/2% होता है। ठीक है, अब बात कर लेते 1/9, 1/9 का जो प्रतिशत होता है वो 11 पूर्णांक 1/9% होता है। ठीक है, अब 1/10 का कितना प्रतिशत होगा, ये तो सबको पता है 10 का 10 ही होगा, क्योंकि अगर 1/10 है और इसको 100 से गुना करेंगे तो 10 × 100 यानी 10%, सिंपल सी बात है, ये तो सबको मालूम है। चलिए 1/ अब बात कर लेते 11 का, तो 1/11 का जो प्रतिशत होता है वो 9 पूर्णांक 1/11% होता है, कितना होता है 9 पूर्णांक 1/11%। 1/12 की अगर हम बात कर ले तो 1/12 का प्रतिशत होता है 8 पूर्णांक 1/3%, आप निकाल के चेक कर लीजिए। चल 1/13 की अगर हम बात कर ले तो इसका होता है 7 पूर्णांक, देखिए इसका अगर आप इस सबका ज्यादा लंबा जा रहा है तो आप इसको निकाल के कहीं लिख कर 20 तक 25 तक 30 तक निकाल करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो 1/13 दिया हुआ है तो 1/13 का जो होता है प्रतिशत वो होता है 7 पूर्णांक 9/13%। ठीक है, क्या होगा 9/13% होता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, 1/14 दिया हुआ है तो 1/14 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 7 पूर्णांक 1/7%, कितना होता है 7 पूर्णांक 1/7% होता है। 1/15 का अगर हम बात कर ले तो इसका होता है 6 पूर्णांक 2/3% होता है। ठीक है, 2/3% होता है। 1/16 का होता है यहाँ पे 6 पूर्णांक 1/4%, क्या होता है 6 पूर्णांक 1/4%। और 1/17 दिया हुआ है तो 1/17 का होता है 5 पूर्णांक 15/7%, क्या होता है 5 पूर्णांक 15/17, क्योंकि 17 है ना तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, कम से कम 17 भी याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
तो यहां पे समझ लीजिएगा एक बात। अब यहां से कुछ क्वेश्चन चलते हैं, इस पर क्या चलते हैं बाबू, इस पर आप जो है कुछ क्वेश्चन चल लेते हैं, ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि जितना हम बताएंगे मैथ वो सारे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो भी बताएंगे एग्जाम के व्यू से आएंगे, और जितना भी बता देंगे वो एग्जाम से बताया हुआ से फालतू नहीं आएगा, ये जितना बताएंगे वो सारे के सारे एग्जाम में लड़ेंगे, बस बशर्ते जितना सब्जेक्टिव हम पढ़ाए वो सारे पढ़ते चाहिए। तो इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, एक सबसे टाइप नंबर वन, टाइप यहाँ पे लिख देते, टाइप नंबर वन क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में बहुत आसान रहता है, सिर्फ समय बनाने में ले लेते हैं, इसकी वजह से जो है ज्यादा समय लग जाती है, इसकी वजह से आपका जो है थोड़ा सा नंबर कम जाती है, रैंक कम दिक्कत आ जाती है, रैंक ज्यादा चला जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि आपको बस याद, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये प्रैक्टिस का चीज है, एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वही अपने आप प्रैक्टिस करते 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 याद हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के व्यू से टाइप नंबर वन, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जैसे संख्या में मान लेते ए दे रखा है और कहता है कि ए प्रतिशत का बी कितना होगा, मान लीजिए ए प्रतिशत का क्या पूछ रहा है, बी कितना होगा, और एक प्रतिशत में जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है कितना 48%, मान लीजिए कोई संख्या है और दे रखा है कि ए प्रतिशत का बी कितना होगा, यानी ये कोई 10% 48% वस्तु है तो इसका बी क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए प्रतिशत का बी कोई सभी संख्या दे, तो यहाँ पे या 48% दे दे या इसको घुमा दे, कहे कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है अपने आप में 25% है, क्या है अपने आप में 25% है, तो 48% क्या होगा, यानी 48 के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं। कोई भी चीज है जो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 25, और पूछ रहा कितने के बारे में, 48 के बारे में। तो आपको पहले भी बताए थे कि 25% दिया हुआ है, जब इसको अगर भिन्न में बदलेंगे, किसमें बाहु बदलेंगे, भिन्न में, तो 25% का भिन्न कितना होता है, अभी बताएं 25% का भिन्न कितना होता है, 1/4, तो 25% की जगह हम लोग 1/4 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और का मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना 48, यह भी तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 × 48 यानी 12 आ गया, क्या आ गया 12। यही चीज अगर आप एक घंटा याद नहीं रखेंगे 25% का भिन्न कितना, और इतना भिन्न का 25, 1/4 का कितना प्रतिशत 25, और 25% का भिन्न कितना 1/4, तो अगर मान लीजिए ऐसे नहीं बना करके आप एक घंटा करेंगे कि 25/100 × 48, तो 25 × 100 और 12 × 48, इतना करने की क्या जरूरत है कि आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दे रखा है, जैसे मान लीजिए 20% दे रखा है, और कह दे कि ए बराबर दे रखा है 20%, कितना दे रखा है 20%, और यहाँ पे कह दे कि ए बराबर 20% का 28, या यहाँ पे कह दे 18% क्या होगा, तो कैसे बना देगा, सिंपल सी, एक 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5, चलिए, और गुना यहाँ पे 18 कर दे सकते हैं। अब ये 18 में 5 से करेंगे तो पूर्णांक में आएगा, क्या आएगा, तो 18 में 5, तो यहाँ पे जो है 18/5, तो आप इसको यहीं पे ऐसे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है तो आप जो है ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर भिन्न में आंसर देता है तो 18/5 लिख सकते हैं, अगर पूर्णांक में देता है तो अब इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़िएगा, ऐसे एक घंटा आप देखिए, एक बात और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं ना, तोड़ने के समय जो है यहाँ पे पहले भाग देते हैं कोना में कि 5 × 15 तब जाकर के 3 बजता, ऐसे नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से भागा जो देते हैं 15 में तो कितना आती है, 5 × 15 काटते हैं तो 15 काट दिए तो शेष नीचे कितना बचता है, शेष बचता है 3, और भाग कितना से दे रहे हैं 5 से, तो 3 × 3/5 आप ये ऑप्शन के अनुसार सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है देख लीजिए,
क्वेश्चन इसी को उलट दे, क्या क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी संख्या जो है 20% दिया हुआ है, कोई भी संख्या जो है 20% दिया हुआ है और इसका ए बताइए, ये भी तो कर सकता है। ये तो समझा रहे हैं, क्वेश्चन चलेंगे तो समझ में आएगा। अब इसको कैसे बनाइएगा? मान लीजिए कि बी में कोई संख्या दे रखा है, जैसे अभी निकाले थे 48% का, तो यहां पे दे रखा है 48%। क्या दे रखा है? 48%। और इसका पूछ क्या रहा है? बी बराबर दिया हुआ है और ए क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि ए क्या होगा। तो यहां पे एक बात समझिए, दूसरे भाषा में अगर कह दे कि चलिए एक क्वेश्चन बना दे कि बी बराबर बी जो है 48% है और का ए जो है क्या है 25% है, तो कैसे बनाइएगा? यानी यहां पे कहता है बी 48% और ए क्या है 25%, या कह दे ए 25 है, तो बताइए कि इसका जो ए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि चाहे तो ए प्रतिशत का बी, ए प्रतिशत का बी या इसको पलट सकते बराबर बी प्रतिशत का ए, ए ये सब बराबर होता है, क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब यहां पे एक बात समझ, चाहे ए दिया हो रहा है चाहे बी दिया हो रहा है उससे मतलब नहीं, प्रोसेस वही लगाना है जो पहले वाला, चाहे ए पहले दे प्रतिशत बाद में निकालना कहे या प्रतिशत जो है पहले दे दे और ये बाद में निकालना कहे, तो क्या कहिएगा? इससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 48 दे रखा है तो 48% लिखिए और 25% चाहे एन हो जाए चाहे एन, इससे मतलब ए ए का चाहे बी पूछे चाहे बी का ए पूछे दोनों बराबर होता है, सेम तरह से ही बना लेना है। यहाँ पे कर देना 25/100, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं, तो 25/100 का भी कितना होता है 1/4, तो 12 × 48 कितना आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, तो 25% यानी 25/100 का कितना भिन्न है 1/4, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे प्रतिशत इसमें दिया हो चाहे प्रतिशत इसमें ना दिया हो इससे मतलब नहीं है, आपको बनाने के लिए चाहे ए पहले हो बी पूछ रहा हो चाहे बी पहले हो और ए पूछ रहा हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, सेम उसी तरह बना लेंगे। ठीक है, अब टाइप दूसरा आइए, चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए टाइप दो चलते, क्या चलते हैं? टाइप दो चलते हैं। ठीक है, तो टाइप दो में जो है एक क्वेश्चन को सवाल देख लीजिएगा, इसको जो है क्वेश्चन से लेके चलते हैं कि क्या होता है, चलिए देखिएगा समझिएगा बढ़िया से। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ए की आय, किसके बारे में पूछ रहा है कि ए की जो आय है कितना है, सुनो बढ़िया से, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ए की आय जो है बी की आय से, बी की आय से एकदम बढ़िया समझना, बी की आय से 70% अधिक है, कितना है 70% जो है अधिक है, तो बी की आय, यहां पे फिर क्वेश्चन करता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना यहां पे लिखते हैं प्रतिशत, प्रतिशत कम है। तो यहां पे एक बात समझिएगा, एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और ट्रिक जो है एकदम बढ़िया से याद रखिए, कुछ मिटाते कुछ रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लीजिए एगो छोटा सा ट्रिक, क्या याद रखिएगा ट्रिक जो देख लीजिए, जैसे यहां पे कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, कौन है, एगो ए व्यक्ति है या एगो बी व्यक्ति है, अब कह रहा है कि ए की आय जो है 70% अधिक है, किससे, ए से, ए की आय जो है बी की आय से, यहां पे याद रखिएगा कि बी की आय से, चलिए यहां पे घुसा देते हैं, तो ए की जो आय है वो बी की आय से कितना ज्यादा है 70%, तो अगर ए का बी का आय प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब अपने आप में 100, तो अगर बी का आय जो है 100 है तो ए की आय कितना है बी से 70 ज्यादा है, यानी 170 है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है इसको आप काट भी सकते हैं एक सुना से एक सुना, तो यहाँ पे यह लिख सकते हैं 17 और 10। आगे तो आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि a बटा बी करके भी बना सकते हैं, a का ऊपर मान ऊपर में b का नीचे भी ऐसे भी बना सकते हैं, तो 17 वही आएगा 17 10। तो अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन कहता है कि दो को व्यक्ति a को b है वो a है, a का जो है कमाई जो है आय जो है b से 70 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि b की आय a से कितना प्रतिशत कम, प्रतिशत कम पूछता है, ठीक है। तो प्रतिशत कम ट्रिक याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत कम पूछे, प्रतिशत कम पूछे तो क्या दीजिएगा, प्रतिशत कम पूछे आपसे तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि देखिए कहता है कि ए की आय किसके बारे में कह रहा है, तो पहले यहां पे बना लेते हैं। तो यहां पे कहता है बी की आय, इस बी की आय जो है ए से यानी ए से कितना कम है, 7% कम है, 7 कम है, ठीक है। तो यहां पे एक बात में बी की आय ना कम है किससे, ए से ना, बी की आय कितना है ए से कम है। तो जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और जिससे पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं और 100 से गुना करते हैं, ये ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिएगा प्रतिशत कम निकालने में, ठीक है। आगे अभी बहुत चलेगा, प्रतिशत अधिक भी बताएंगे। तो ए की आय पूछ रहा है कि देखिए यहां पे कहता है बी की आय किससे, ए से, तो किससे यानी जिससे पूछे, यानी ए की आय किसका, तो ए की बी की आय किससे, किससे को कहा नीचे यानी जिससे को नीचे, जिससे पूछा जाए, ए के बारे में कह रहा है किससे पूछ रहा है, ए से। ए का मान यहाँ पे बी की आय कितना है, बी की आय 7 है, ठीक है। और बी की आय यानी जिसके बारे में, किसके बारे में कहा जा रहा है, बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी की जो आय है किससे, तो ए से, किससे बारे में, तो जिसके बारे में कहा, जिससे कहा जाए तो जिससे को नीचे, तो इसके बारे में कहा जाए तो इसको नीचे और 100 से गुना कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और बात समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए यहां पे मिटा देते हैं, ठीक है, यहां पे मिटा देते हैं, यहां पे भी मिटा देते हैं और यहां भी मिटा देते हैं, और यहां पे क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो राम की आय है यहां पे डाल देते हैं श्याम की आय से 60% अधिक है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कैसे बनेगा, एक को राम है और एक वो क्या है श्याम है, ठीक है। तो श्याम की टोटल आय अगर कहता है कि 100% है तो श्याम की 60 उससे क्या है ज्यादा है यानी 160 है। इसको चाहे तो आप काट भी यहां पे सकते हैं, 50 दुना 100 भी काट सकते, क्या कर सकते हैं, 80 दुनी 160, 50 दुनी 100, 40 दुना यहाँ पे काट सकते हैं, 25 दुना भी काट सकते हैं। तो ये हो गया 40 और इधर हो गया 25। तो यहाँ पे एक बात समझिए, कहता है कि श्याम की आय किसकी, श्याम की आय राम से, श्याम की आय यानी इसका आय राम से कितना कम है, देख लीजिए तो 15 कम है, तो जितना कम है राम की, किसके बारे में कह रहा है, श्याम का ना कम है, तो किसके बारे में यानी जिसके बारे में कहे उसको ऊपर है, तो किसके बारे में कह रहा है, श्याम के बारे में, जिससे कहे किससे कह रहा है राम से, कि श्याम की आय जो है राम से कितना कम है, तो राम को कह रहा था राम का 40 और गुने 100। यहां पे भी अभी आप काट सकते हैं और इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है, काट लेंगे, काटने में भी दिक्कत है। चलिए तो यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, ये बन गया, मान लीजिए क्वेश्चन अब घुमा देता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर देता है, घुमा देता है। चलिए यहाँ पे इसको मिटाते, ये ट्रिक कहीं लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। हाँ वीडियो बाद में रहता है ना, तो वीडियो से फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, बस छोड़ रहे हैं, इसके बाद दूसरा जो है आपका टाइप अगला दिन बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन कहता है ए बी से, ए जो है बी से किससे कह रहा है बाबू, कि ए जो है वो बी से
80% कम है, कितना कह रहा है 80% जो है कम है, 80% जो है कम है। तो कहता है कि सी ए, यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है, सी ए और बी के बीच, और बी एकदम तीन को यहां पे आया, यहां पे पहले ए बी थे, तो ए जो था बी से 80% कम है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और सी जो है ए और बी के बीच का, के बीच का, बीच का अंतर, क्या पूछ रहा है, बीच का अंतर यहां पे कहता है 75% है। क्या है बीच का अंतर, 75% है। तो सी जो है कितने प्रतिशत, सी के बारे में पूछ रहा है कि सी जो है कितने प्रतिशत ए से, किससे कह रहा, कितने प्रतिशत, प्रतिशत ए से, किससे बाबू, देखिए किससे, तो किसके बारे में कह रहा है, ए से। सी पूछ रहा है कि सी जो है कितने प्रतिशत ए से अधिक है, ए से अधिक है, ठीक है। तो अब यहां पे सुन लीजिए कैसे बनाएगा, तीन गो व्यक्ति है, एगो ए व्यक्ति है, एगो बी व्यक्ति है और एगो सी व्यक्ति है। तो यहां पे कहता है, क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ए जो है बी से 80 कम है, तो 20 टोटल कितना है, 20 अपने आप में 100% है, और इससे कितना कम है, इससे जो है 80 कम है, क्या है 80 कम है, तो 80 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अरे बी अगर 100 अपने आप में परसेंटेज है, ए 20 से, तो बी अगर 100 है ना, 20 से ए कितना होगा, 80 कम होगा, तो 80 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन कहता है कि जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए कितना है, 20 है, तो 20 से सी क्या हो जाएगा, अरे बाबू कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100, यू प्रतिशत अपने आप में 100 है, यू प्रतिशत अपने आप में 100, यू भी संख्या अपने आप में 100 है, तो इस 100 अगर है तो इससे 80 कम ना है, तो ए कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे कहता है सी 100 है, क्या है 100 है, तो इस ए से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है, ठीक है। अब कहता है कि सी ए और बी के, सी ए और बी के बीच का जो अंतर है वो कितना प्रतिशत है, 75% है, कितना है 75, यानी प्रतिशत अंतर है, तो 75% है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताए थे कि नीचे में 100 लिखते हैं, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, काट सकते हैं यहां से, काट सकते हैं 20 80, ठीक है। तो अब 20 80 आ जाता है, तो टोटल 20 में 3 से गुना कीजिए 60 हो जाते हैं, कितने 60, यहां पे कितने हैं 100 और यहां पे कितने हैं 20 है, ठीक है। तो ए का कितना हो गया 20 और बी का मान 100 और सी का 60 हो गया। तो अब यहां पे चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं कि बी बचे 100, ठीक है, काट सकते हैं, और 20 60 यह भी काट सकते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो एक काट सकते हैं, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है। तो अब एक बात समझ लीजिए, अब जो है क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि सी ए से कितना अधिक है, तो सी जो है ना यहां सी है, सी जो है ए से, किससे, ए से कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, अरे एक यहाँ है, यहाँ 2, कुछ नहीं बचा, तो एक कह सकते हैं, चलिए अनुपात लगा देते हैं, एक बचा। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अनुपात का मतलब बटा रहेगा तो ना कटेगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ए से कितना अधिक है सी, कितने प्रतिशत ए से अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 2% अधिक है। वही ट्रिक आपको यहाँ पे फिर से आजमा देना है जो अभी ट्रिक बताए थे। ट्रिक में क्या बताए थे कि अगर प्रतिशत कम हो, प्रतिशत कम हो तो जिस जिसके बटा, क्या बताए थे कि जिसके बटा जिससे, जिसके बटा जिससे गुने 100 लिख देना है। अगर प्रतिशत अधिक पूछे, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक पूछेगा तो जिससे बटा उल्टा कर देना है, जिससे बटा जिसके, जिसके
गुना सौ कर देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है, तो कितना प्रतिशत सी जो है ए से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है ना, यहाँ पे एक है तीन है तो दो ज्यादा है, तो क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है ना, तो अधिक वाला में ए वाला लगा देना कितने प्रतिशत ए से अधिक है। तो प्रतिशत अधिक बराबर क्या, किसके बारे में, जिससे, यानी किससे पूछ रहा है, सी से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सी से ना पूछ रहा है कि सी जो है, बताओ सी तू कितना ए से है, किसके, देखिए यहाँ पे सी से पूछ रहा है किसके बारे में, ए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात, जिससे पूछे, तो जिस किसको पूछ रहा है, जिस किससे पूछ रहा है, सी से, और किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में, तो गुना सौ, तो सी का मान यहाँ पे कितना दे रखे, सी कितना अधिक है, दो अधिक है, किस से, ए से, ए को नीचे या गुना सौ, बना लीजिए, हो जाएगा। चलिए, ये दोगो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है, इससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकता। चलिए इसको मिटाते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर फिर अगले दिन खाली क्वेश्चन ही कराएंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, देखिए समझिएगा बढ़िया से, एक क्वेश्चन है कि ए जो है बी से, सेम क्वेश्चन, ए जो है क्या कह रहा है, ए जो है बी से 75% कम है, क्या कह रहा है, 75% जो है कम है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कहता है कि सी ए और बी, सी ए और, यहां पे एकदम क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बन जाएगा, सी ए और बी के बीच, के बीच का, ठीक है, बीच का अंतर, बीच का अंतर 75% है, कितना प्रतिशत है बाबू, 75% है, तो सी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत, क्वेश्चन जो कहता है इस पर सवाल पर दे, सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है, ए से अधिक है। चलिए कैसे बनाइएगा, बनाइए इसको, बना सकता है कमेंट करो बना करके जल्दी, बस 10-30 सेकंड के अंदर बना लेना है। कैसे बनाइएगा, जैसे अभी बताए कि एगो ए व्यक्ति है, एगो बी व्यक्ति है, और सी है, और सब अपने आप में क्या है, 100% है, सब अपने आप में क्या है, 100% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मान लीजिए बी जो है ए बी से, तो बी अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है, अब कहता ए जो है बी से 75 कम है, इससे क्या कम है, 75 ई कम है, 75 कम है, तो 75 जब कम होगा तो ई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि सी ए और बी के बीच का अंतर 75% है, बीच का अंतर जो है वो 75% है, तो सी सी जो है कितने प्रतिशत ए से अधिक है, कितना, तो ए से पूछ रहा, ए से सी कितना अधिक है, तो अपने आप में 100 है, तो 25 घटा दीजिए, यानी 25 से जो है 75 अधिक है सी है। अब अंतर कितना का कह रहा है, अंतर कह रहा है कि 75% जो है अंतर है, तो 75%, और अभी बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं, थोड़ा देर पहले बताएं, ठीक है। तो अब इसको जो है आप काट सकते, कैसे काट दीजिएगा, काटिए 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, ठीक है, ये बना दिए। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ पे अगर काटने नहीं आया ना, तो नीचे में जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसी संख्या से सब में गुना कर देते हैं तो संख्या कट जाती है। जैसे मान लीजिए नीचे में जो 4 दिया हुआ है, तो हर वाले संख्या में अगर सब में 4 से गुना करके आप कर देंगे तो एक संख्या कट जाएगी, 4 से 4 में कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जब 4 से 4 कट जाएगी तो यहाँ पे 75 और 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 225 आएगा, 100 में 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है, और 25 में 4 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए, हाँ दोनों प्रक्रिया बताएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। चार से काहे नहीं किए और नहीं भी कर सकते थे, ठीक है? तो नहीं करेंगे तो ये बट्टा में रह जाएगा ना, तो इसको काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो काटने के लिए हम चार से जितना नीचे लिखा हो संख्या, हर में जितना दिया हुआ रहता है उसको काटने के लिए उतना ही संख्या से सभी संख्या में गुना कर देते हैं, ठीक है? तो चार नीचे हर में दिया होता है, हर को काटने के लिए चार से गुना कर दिया, सब संख्या में चार से गुना कर दिया। तो अब यहाँ पे कहता है देखिए कि सी जो है कितने प्रतिशत ए से अधिक है। सी जो है ए से देखिए कितना अधिक है, 125 अधिक है। कितना है? 125 जो है अधिक है। चलिए 125 अधिक है। अब यहां पे क्या बताए, अधिक जिससे कहे, किससे कह रहा है? सी से। तो सी को ऊपर लिखेंगे, किसके बारे में कह रहा है? ए के बारे में कह रहा है, यानी तो ए को कहां रखे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 बटा 100 गुने 100, यानी क्या हो जाएगा, 125 अधिक है। आंसर हो जाएगा, किसी को दिक्कत अगर है तो बोलो। चलो ठीक है, अगला दिन आरएस अग्रवाल का बुक ले सकते, कोई भी मैथ का बुक है उसे कोई मतलब नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन है तो बनाइए, आगे जितना टाइप बताते जाएंगे बनते जाएगा, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।